नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। हनी ट्रैप मामले में इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने, 5 महिला व पुरुष सहित 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। महिलाएं कर रही थी अधिकारियों को ब्लैकमेल, वीडियो वायरल करने की दे रही थी धमकी। हिंदू धर्म को लेकर एक बयान पर दिग्विजय सिंह फिर घिरे, जमकर गर्मा रही है राजनीति। अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा द्वारा किया गया विरोध, संभागायुक्त को दिया गया ज्ञापन। हनी ट्रैप मामले में इंदौर की महिला पुलिस की पूछताछ जारी है। गुरुवार को प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने मामले को लेकर फिलहाल कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है। गृह मंत्री का कहना है कि पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी और मैं पुलिस को शुभकामना देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि हनी ट्रैप मामले में बीती रात 3 लड़कियों को भोपाल के पूर्व मंत्रियों के बंगले से हिरासत में लिया गया है और उन्हें देर रात इंदौर लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। लड़कियों को महिला थाने में रखा गया है, जहां मीडिया व किसी को भी थाने में प्रवेश पर प्रतिबंध रखा गया है। घटना के बाद प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने फिलहाल हनी ट्रैप मामले को लेकर कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है। मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि षड्यंत्र में शामिल कोई भी दोषी नहीं बच पाएगा व पुलिस द्वारा जल्द ही इसमें शामिल लोगों के नामों का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। मंत्री बोले कि यदि रसूखदारों का नाम भी आया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कानून अपने तरीके से कार्रवाई करेगा। मंत्री के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई प्रशंसनीय है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा पुलिस द्वारा कर दिया जाएगा। इस दौरान मंत्री बच्चन मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। जैसे कि अधिकृत जानकारी भी आ जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, मैं हमारी जो पुलिसिंग ने जो कार्रवाई की है, हमारी टीम को भी मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। बाकी समय आने पर सब सारी चीज़ें सबका खुलासा हो जाएगा। अभी कार्रवाई चल रही है, बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी बच नहीं पाएगा। जिस तरह से जो मामला जो हनी ट्रैप का जो आया है कि जो षड्यंत्रकारी जो षड्यंत्र और बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े लोगों को जो शिकार करते थे, वो षड्यंत्र का जो शिकार बनाते थे, चाहे वो इंदौर भोपाल या मध्य प्रदेश के अन्य कहीं जगह का भी कई मामला हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे जो जितने भी बड़े जो इसमें लोग हों, कोई भी हमारी इस कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे। और इस तरह के षड्यंत्र या मध्य प्रदेश में जो कोई भी अगर कोई कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे तो कानून से बढ़कर कोई भी नहीं, कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी हमारी कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी पुलिस को बधाई देता हूँ, अपनी टीम को बधाई देता हूँ कि अभी ये जो कल से जो कार्रवाई जो हनी ट्रैप से संबंधित थी वो, और 2-3 दिन पहले जो जंगल के जो दस्यु थे, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई सालों से करीब लगभग 12-13 सालों से कई जघन्य अपराधों में जो शामिल थे, उनको भी जो एनकाउंटर में हमारी पुलिस की एनकाउंटर जो हुआ, और बड़े जो दस्यु जिसमें कि बबली कोल और लॉलेस कोल जो एनकाउंटर में मारे गए, तो ये बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही है। और जिस तरह से हमने पिछले विधानसभा के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने और हमारी पार्टी ने जो मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन दिए थे पुलिस से संबंधित, कानून से संबंधित, उस पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में बखूबी हम काम कर रहे हैं। हनी ट्रैप के मामले में इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, 5 महिला व एक पुरुष सहित 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। ये महिला कई अधिकारियों को कर रही थी ब्लैकमेल, वीडियो वायरल करने की दे रही थी धमकी। इन आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल व 14,17,000 रुपए सहित क्रेटा कार बरामद हुई है। मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप रैकेट के तार देश के कई राज्यों से जुड़े नजर आ रहे हैं। एटीएस ने इंदौर से इस रैकेट से जुड़े 2 युवतियों जिनका नाम सीमा और आरती है, इनको गिरफ्तार किया। वहीं भोपाल से गिरफ्तार श्वेता जैन और बरखा भटनागर नामक 2 युवतियों को इंदौर लाया गया। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा कई राज सामने आए। फिलहाल एटीएस द्वारा कड़ी निगरानी में 5 व्यक्तियों से संयुक्त पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही इसमें कई बड़े नामों का खुलासा भी हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ब्लैकमेल हो चुके इंदौर के इंजीनियर ने 2 युवतियों की शिकायत कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में भोपाल से छतरपुर की आरती दयाल और सीमा सोनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि दोनों ने उन्हें जाल में फंसाकर एक वीडियो बनाया और उन्हें ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग कर रही थी। इतना ही नहीं, उसके बाद इनकी मांगे करोड़ों तक जा पहुंची। इस पूरे मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने सीमा और आरती को उनके ड्राइवर सहित लग्जरी कार के साथ गिरफ्तार किया और इन दोनों से पूछताछ के बाद 3 और युवतियों का पता चला, जिन्हें भोपाल की एटीएस ने गिरफ्तार किया।
इस हनी ट्रैप रैकेट मामले में शामिल युवतियां कई राजनेताओं, आईएएस और आईपीएस अफसरों को अपने जाल में फंसा चुकी है। वहीं इंदौर के अफसर को ब्लैकमेल करने पर उनकी पोल खुल गई और मामले ने तूल पकड़ लिया। फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे कई मामलों में पूछताछ जारी है। जानकारी उनके द्वारा उसके महिला और उसके साथियों के बारे में उपलब्ध कराई गई थी। उसके आधार पर इसमें आगे प्रकरण को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया और इस महिला को पकड़ने के लिए इसमें उसको पहले किस्त देने के लिए इनसे आवेदन के माध्यम से बुलवाया गया और ये एक प्लेटाकार में भोपाल से इंदौर पहुँची और पहली किस्त 50 लाख रुपये देने की तय हुई थी। इसके साथ में एक मोनिका नाम की दूसरी भी एक लेडी इसके साथ में थी और ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो 3 लोगों को क्रेटा कार के साथ में प्रारंभिक रूप से इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि होने के पश्चात उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और उनसे इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनसे संकलित की गई। इनके ग्रुप में भोपाल की कुछ अन्य महिलाओं के भी नाम इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए सामने आए, जिसमें भोपाल पुलिस की सहायता से पूछताछ के लिए इसमें 3 अन्य महिलाओं को हिरासत में लिया गया और उनके नाम श्वेता जैन पति विजय जैन, श्वेता जैन पति स्वप्निल जैन और वर्षा सोनी पति अमित सोनी, इन 3 को भी पूछताछ की परिधि में लाया गया है और पूछताछ के उपरांत उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें उक्त प्रकरण में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और इनसे इनके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और साथ ही इस प्रकरण से जुड़े हुए जो साक्षी हैं उनके बारे में पूछताछ की है। उनकी गिरफ्तारी के लिए उनको पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। इंदौर शहर के प्रसिद्ध श्री रंजीत हनुमान मंदिर पर प्रशासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही धारा 144 लागू करने के विरोध में गुरुवार को हिंदू संगठनों द्वारा प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया गया। विश्व हिंदू संगठन के लोगों ने जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के मुकेश चौधरी और बजरंग दल के तनु शर्मा ने बताया कि प्रशासन द्वारा हिंदू धर्म स्थलों पर नए नए नियम लागू करके उनकी धर्म भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन द्वारा हिंदुओं के धर्म स्थलों पर त्योहारों पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों पर धारा 144 जैसी धाराओं की धमकी एवं हाईकोर्ट का हवाला देकर हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बजरंग दल के नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा इंदौर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई व अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इंदौर शहर में जो भगवान रंजीत हनुमान जी का मंदिर है, जहां से लाखों भक्तजन जुड़े हैं, पूरा मध्य प्रदेश का लोकप्रिय मंदिर है, उसी मंदिर के क्षेत्राधिकार में आने वाले SDM महोदय द्वारा मंदिर के संबंध में ये आदेश दिए गए कि रात्रि 10 बजे बाद कोई भी धार्मिक आयोजन बिना अनुमति के नहीं हो सकेगा। बहुसंख्यक हिंदू समाज अपने धार्मिक पर्वों और उत्सवों को मनाने के लिए मंदिरों में भी स्वतंत्र नहीं है, ये बात इस आदेश से देखने के लिए मिली। संपूर्ण हिंदू समाज और भगवान रंजीत हनुमान का भक्त मंडल ऐसे अन्यायपूर्ण आदेश का विरोध करता है। हमने प्रशासन से आज ज्ञापन देकर के और ये बात कही कि इस प्रकार का जो आदेश दिया गया है ये कहीं ना कहीं बहुसंख्यक हिंदू समाज के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, इस प्रकार के आदेश को तुरंत निरस्त किया जाए और स्वतंत्र रूप से भगवान रंजीत हनुमान के भक्तों को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए।
इंदौर के एम्बा अस्पताल में पिछले काफी समय से सेवाएं दे रहे नर्सेस विभागीय प्रांतीय समिति जिम्मेदारों ने बुधवार को एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल से मुलाकात की और अपनी स्थानीय 5 सूत्रीय मांगों को डीन के समक्ष रखा। नर्सिंग स्टाफ की मुख्य मांगों में समस्त नर्सेस को संवैतनिक अध्ययन अवकाश दिए जाने व अपनी सेवाएं देते हुए जिन नर्सेस ने 10 साल पूरे किए हैं समय मान वेतन मान मिलने के साथ ही स्टाफ से यदि कोई अस्पताल में बीमारी के चलते भर्ती हो तो उसे और उसके परिजनों को अस्पताल के प्राइवेट रूम में रखने की मांगें रखी गई है। नर्सिंग स्टाफ का आवेदन लेते हुए डीन ने मामले को स्थानीय स्तर का बताया और अधीक्षक एवं उप अधीक्षक से मुलाकात कर आगामी 7 दिनों में इस मामले को हल करने की बात कही। एम्बा अस्पताल के स्तर पर कुछ लंबित उनके मामले हैं, जैसे कि 10 साल के बाद का समय मान वेतन मान, 2 वर्ष की परिवक्षा अवधि पूरी होने पर नियमितीकरण, ये सब स्थानीय स्तर के इश्यूज हैं जिनके लिए एम्बा सुप्रीडेंट से चर्चा करके उनको सॉल्व किया जाए। बताया जा रहा है कि यदि डीन द्वारा नर्सिंग स्टाफ की मांगों को तवज्जो नहीं दी गई तो स्टाफ द्वारा आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। इंदौर के प्रसिद्ध श्री रंजीत हनुमान मंदिर पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम को लेकर लगी धारा 144 का सांसद व अन्य नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। इंदौर जिलाधीश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन एवं एनजीटी के आदेश के तहत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर कॉमन आदेश जारी किए जाते रहे हैं। ये आदेश सिर्फ रंजीत हनुमान मंदिर के लिए नहीं जारी किया गया है बल्कि ये पूरे जिले के लिए है। वहीं क्षेत्रीय एसडीएम रवि कुमार ने कहा कि श्री रंजीत हनुमान मंदिर में आए दिन रात्रि के समय ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किए जाने की शिकायतें आसपास के रहवासियों द्वारा की जाती है, जिसके तहत सिर्फ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की लोगों को जानकारी दी गई है। मंदिर में देर रात तक पूजा पाठ करने पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन रात्रि 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग नहीं किया जा सकता है। वहीं मामले में सांसद शंकर लालवानी के मुताबिक इस निर्णय से लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है, प्रशासन का यह निर्णय गलत है। कुछ समाचार पत्रों में ये जानकारी आई है कि इंदौर का प्रसिद्ध रंजीत हनुमान मंदिर पर धारा 144 लगाने के कारण अब कोई साउंड बजने के लिए परमिशन लेना पड़ेगी रात्रि 10 बजे और सुबह 6 बजे के बीच में। मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारा पुरातन मंदिर है और इस पुरातन मंदिर में, धार्मिक मंदिर में, कभी भी ध्वनि विस्तारक लगाने के लिए अनुमति ली नहीं जाती है। तो जो प्रशासन ने अगर इस प्रकार का कोई आदेश निकाला है तो सरासर गलत है, धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है, जन भावनाओं के खिलाफ है, लोगों की धार्मिक आस्था पर ठेस पहुँची है। तो मैं ये चाहूँगा इस पर पुनर्विचार हो और इस प्रकार के जो आदेश हैं वो सोच समझ के निकालना चाहिए। 144 अलग से नहीं लगाई गई है, जैसा आप सबको ज्ञात होगा कि अभी जैसे गणेश जी बैठे थे, सब बैठे थे, कलेक्टर साहब आदेश है धारा 144 का धन विस्तार यंत्रों के प्रयोग के लिए, और इस संबंध माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है कि रात्रि 10 बजे के बाद 6 बजे तक धन विस्तार यंत्रों का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो बार बार आसपास, क्योंकि वहाँ पे बड़ी डेंस कॉलोनियाँ हैं आसपास, लोगों के रात में कई बार शिकायत आती है कि साहब यहाँ पर अभी भी 11 बजे 12 बजे धन विस्तार यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, और बड़ा स्वाभाविक सा है कि जो भी रहवासी है वहाँ पर आसपास काफ़ी वृद्ध लोग रहते हैं, कोई हार्ट का पेशेंट है, जैसे है उनको परेशानी होती है, और रात के माहौल वैसे जब माहौल पूरा शांत हो जाता है, जब गाड़ियों को कोलाहल कही है या जो शोर होता है जब थम जाता है तो छोटी सी आवाज़ भी बहुत तीखी लगती है उस समय। तो हमने सिर्फ ये निर्देश दिया है कि जो कलेक्टर साहब का आदेश है पूरे ज़िले के लिए है, रात्रि 10 बजे के बाद आप पूजा करिए, पूजा के लिए कोई रोक नहीं है, कल भी हमारे पास लोग आए थे, आप बैठिए सुंदरकांड करिए, पूजा पाठ करिए, रात्रि में कोई उसको नहीं। लेकिन हाँ, ध्वनि विस्तार के जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कलेक्टर साहब का आदेश 144 का, तो वो तो सबके लिए लागू है, उसमें ऐसी कोई छूट किसी को नहीं मिली है। हमने सिर्फ उसी आदेश को दोबारा सबको रिमाइंड कराया, अवगत कराया है अपने आदेश से। बुलेटिन पे यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए दोपहर न्यूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। 888-9300-73।
तड़प, जय रंजित, इच्छाधारी और नागमणि, नाग का गहना जैसी सफल फिल्मों के बाद इंदौर के सुपरस्टार फिल्म निर्माता निदेशक बाबू राजौरिया की एक और बड़ी पेशकश। को तो मंदिर में भजन गाने वाली पसंद आई। ये एक ऐसी मैरिड कपल लव स्टोरी है जो टूटते बिखरते परिवारों को जोड़ने का संदेश दे रही है। एक ऐसी पत्नी जिसने बदल दिया है अपने बिगड़े पति के भाग्य को। मेरी माहिर शानदार लव सॉन्ग और सुपरहिट आइटम सॉन्ग। मैंने इतनी भी नहीं पी है कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़े। जो तुम कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। आज तो उस कर्मचारी से छुटकारा मिल ही जाएगा। मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिला। प्रेरणादायी सामाजिक रीति रिवाज और संस्कारों को प्रदर्शित करती ये फिल्म बदल देगी समाज की उस कुंठित मानसिकता के लोगों को जो बहू को समझते हैं दहेज की तिजोरी। बाबू राजौरिया की एक और बड़ी पेशकश मेरी भाग्यलक्ष्मी शीघ्र प्रदर्शित हो रही है मध्य प्रदेश सहित देश भर के तमाम सिनेमा घरों में। मेरी भाग्यलक्ष्मी। क्या आप झाइया, काले दाग, दाग, खाज, खुजली और अन्य चर्म रोगों या फिर कमर, घुटना, एड़ी और नसों के असहनीय दर्द से परेशान हैं? तो आपकी सभी परेशानियों का हल है डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक। जी हाँ, यहाँ आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक पद्धति से योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक, पता जेल रोड, शॉप नंबर 4, नूतन स्कूल के पास, गणेश मंडल के सामने, इंदौर। मोबाइल 9981106104। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का। तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को पीएससी में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हिंदू धर्म को लेकर एक बयान पर राजनीति जमकर गर्मा रही है। इंदौर शहर में दो दिनों से दिग्विजय सिंह के विरोध में विभिन्न संगठनों व दलों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है व ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा द्वारा सभायुक्त को ज्ञापन दिया गया। महासभा के नीलेश भारती ने बताया कि दिग्विजय सिंह द्वारा वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं संत समाज की उपस्थिति में हिंदू धर्म को आहत करने वाला बयान दिया है। सिंह के भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूर्ण बेच रहे हैं व बलात्कार कर रहे हैं जैसे बयान पर विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। हम आज पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने भोपाल में आयोजित संत सम्मेलन में संतों को सामने बिठा करके, भगवा वस्त्रधारी संतों को सामने बिठा करके धर्म के विरुद्ध बयान दिया और बयान में ये कहा कि भगवा वस्त्र धारण करके चूर्ण बेचते हैं, भगवा वस्त्र धारण करके बलात्कार करते हैं, मंदिरों में बलात्कार होते हैं। इस प्रकार का कुबयान दिग्विजय सिंह ने दिया है। आज उसके विरोध में दशनाम गोस्वामी समाज, जो कि हजारों हजारों मठ मंदिरों में देश भर में पूजन अर्चन करता है, पुजारी समुदाय के प्रतिनिधि आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम दिया है हमने कमिश्नर साहब को और ये मांग की है कि दिग्विजय सिंह को देश भर में किसी भी मठ मंदिरों पर प्रवेश करना, इसका बहिष्कार किया जाए, इसको वहाँ से रोका जाए, किसी भी मठ मंदिर में इसको जाने से रोका जाए और इससे पूछा जाए कि मठ मंदिरों में जब बलात्कार होता है, मठ मंदिरों भगवा वस्त्र धारण करके जब बलात्कार करते हैं तो तू यहाँ किस मुंह से आया है, तुझे शर्म नहीं आती है? और हमने ये मांग की है कि दिग्विजय सिंह को तुरंत गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इंदौर रेलवे द्वारा स्टेशन को प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में प्लेटफॉर्म पर बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है, जिसका फायदा ये है कि जिसके द्वारा लोगों को पेटीएम के थ्रू 5 रुपए का कैशबैक मिलेगा। स्वच्छता की हैट्रिक लगा चुके इंदौर शहर में अब इंदौर रेलवे भी काफी सक्रियता से कार्य करते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए स्टेशन पर बॉटल क्रश मशीन लगाई गई है,
इस मशीन की खासियत यह है कि इसके अंदर आपको एक प्लास्टिक की बोतल डालनी होगी, जिसके बाद पेटीएम के थ्रू आपके अकाउंट में 5 रुपए का कैशबैक आ जाएगा। फिलहाल इस मशीन को पेटीएम से लिंक नहीं किया है, लेकिन कुछ दिनों में इसको पेटीएम से लिंक किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द यात्री इस मशीन का लाभ उठा सके। और देखिएगा, हमारा जो भारतीय रेलवे पे हम लोग स्वच्छता ही सेवा के तहत स्टेशन से प्लास्टिक को दूर करना चाहते हैं। जो लोग प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको हम लोग सिस्टम से बाहर करना चाहते हैं। उसके तहत हम लोगों ने जो बॉटल है, बॉटल क्रशर जो मशीन है, उसको भी हम लोगों ने लगाया है इंदौर स्टेशन पे। अभी उसको पेटीएम से नहीं जुड़ पाया है, लेकिन पेटीएम से जुड़ते ही जो पब्लिक अगर कोई भी एक बॉटल को क्रैश करेगी तो उसमें उसको 5 रुपये मिलेंगे, उसके पेटीएम पे पहुंच जाएंगे। तो अभी ये सिस्टम लग चुका है और लागू भी हो गया है। साथ में पूरे सिस्टम से हम लोग जो जिस किसी के हाथ में अगर प्लास्टिक मिलती है तो हम उसको भी रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं और लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये वातावरण को बहुत दूषित किए हुए हैं और इसको हम लोगों से दूर होना चाहिए। तो इस तरह से ये सिस्टम है और इसी के तहत ये बॉटल क्रश मशीन लगाई। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण बनना शुरू हो गए हैं। इसी के चलते गुरुवार को कांग्रेस के चुनाव प्रभारी संजय कपूर ने इंदौर कांग्रेस कार्यालय पर एक कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें कई नेताओं ने कांग्रेस के पंजे निशान पर आगामी चुनाव लड़ने की बात कही। प्रभारी संजय कपूर ने इस दौरान बताया कि 15 सालों बाद कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कार्यकर्ताओं की बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए और कोशिश की जाएगी कि कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान हो। इस दौरान कांग्रेस नेता कपूर ने कहा कि फिलहाल देश और प्रदेश आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर इशारों इशारों में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस संबंध में हम लोग हमारी जो चर्चा होगी उनकी भावनाएं हैं कार्यकर्ताओं की, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कड़े कठिन परिश्रम से मेहनत करके मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार को लाने का काम किया। इसलिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कड़ा परिश्रम करके कांग्रेस की सरकार बनाई। इनकी भावनाएँ, उन भावनाओं को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊँगा और प्रयास करेंगे कि जो चाहते हैं उसके अनुरूप आएंगे। हम गंभीरतापूर्वक विचार में पार्टी स्तर पर पार्टी फोरम पर बात कर लेंगे। जहाँ तक मौजूदा हालात का सवाल है, आर्थिक मंदी देश और प्रदेश के लिए बहुत समस्या है। इंदौर मिनी मुंबई कहलाता है, बहुत बड़ा बिजनेस हब है, कारोबार की किसी को फिक्र नहीं। जो हालात जिस तरीके के हो रहे हैं देश में और प्रदेश में वो पद से बदतर है। इंदौर में रावण का मंदिर बनवाने वाले रावण भक्त महेश गौहर ने हाईकोर्ट में रावण दहन को लेकर एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि रावण ज्ञानी, ध्यानी, ब्राह्मण, शिव भक्त और पराक्रमी था। ऐसे महाज्ञानी का पुतला दहन करने वालों को कानून सजा दे। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता ने बताया कि प्रतिवर्ष दशहरे पर रावण के पुतले के दहन से ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है। वहीं याचिकाकर्ताओं के मुताबिक रावण महापुरुष था, उसने सीता का भी सम्मान किया, कभी किसी लाचार को नहीं सताया। ऐसे तमाम तथ्यों के साथ महेश गौहर ने न्यायालय के समक्ष याचिका में रावण के पुतले जलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। हमारे प्राचीन आचार्य चाणक्य ने एक सिद्धांत बनाया था और वैसे भी मानवीय सिद्धांत है कि जहाँ विद्वानों का आदर नहीं होता वो समाज या वो देश स्वतः नष्ट हो जाता है। ये सब जानते हैं, जिसने भी रामायण पढ़ी या नहीं पढ़ी या सुना है कि रावण एक महाविद्वान थे, पंडित थे, महाज्ञानी थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे। ऐसे महापंडित, महाज्ञानी, चारों वेदों के ज्ञाता का हर बार पुतला जलाकर अपमान करना वहाँ तक सही है। अपमान वो लोग करते हैं, वो लोग जो उसके पैरों के धूल के बराबर के नहीं, जो व्यभिचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, अत्याचारी, दुराचारी लोग होते हैं वो रावण का पुतला जलाते हैं, अपने आप को रावण से सुपर बताते हैं। जबकि ऐसा कृत्य वही कर सकता है जो उससे ज़्यादा अच्छा है। तो हमने इस बात को लेकर एक दावा सिविल सूट जिला न्यायालय में लगाया है और ये मांग की है कि इस तरह से विद्वानों का, ब्राह्मणों का, बुद्धिजीवियों का अपमान बंद किया जाए पुतला जलाकर, और रावण का अपमान भी बंद किया जाए। और रावण का पुतला जलाने के बहाने जो प्रदूषण फैलाया जाता है धूल धुएँ का, पटाखों का, उसे भी रोका जाए, क्योंकि प्रदूषण से स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि इन प्रथाओं को, कुप्रथाओं को बंद किया जाए।
पहले भी कई प्रथाएं थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी, बंद हुई। वैसे याचिका का हम 3 बार स्कूल भी मतलब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं माननीय एडवोकेट अनिल शर्मा जी के नाम से, लेकिन वो याचिका हमारी खारिज हो गई थी। हमने आदरणीय हरीश शर्मा जी हमारे जो हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं उनके माध्यम से कोर्ट पे याचिका दायर करी है और उसमें हमने दर्शाया कि रावण जो है हमारे आस्था के प्रतीक है और रावण का पुतला जलाना उचित नहीं है। उससे एक तो वायु प्रदूषण खराब होता है, उसमें बम पटाखे फोड़े जाते हैं, इससे वायु प्रदूषण शहर का दूषित हो रहा है। साथ ही हमारी आस्था के प्रति जो रावण का जो दहन हो रहा है वो किस बात को हो रहा है, क्योंकि रावण जैसा प्रकांड पंडित और विद्वान दुनिया में कोई दूसरा हुआ नहीं है और ना होगा। ऐसा शख्स जिसने मतलब स्वर्ग में सीढ़ी लगाने से लेकर के स्वर्ग में सुगंध पैदा करने जैसे जल को बचाने की इस तरह से जो मानव हित के लिए जो योजनाएँ जो होती हैं वो चलाने वाला व्यक्ति, जिसने अपनी बेटी सीता को ऐसा ऐसी जगह जहाँ रखा सुरक्षित जगह पर, या एक महिला को उन्होंने उनका अपनी तिरजटा नाम की महिला को उनकी सुरक्षा के रूप में रखा गया। महाराजा अग्रसेन की 5143वीं जयंती के उपलक्ष्य में 22 सितंबर को इंदौर में महानाट्य का महामंचन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से फिल्म कलाकार मुकेश खन्ना, गायक सुरेश वाडेकर सहित कई हस्तियां मौजूद रहेंगी। श्री अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के तत्वावधान में होने वाले आयोजन में करीब 10,000 से अधिक दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आयोजकों के मुताबिक शहर के करीब 65 से अधिक सामाजिक संगठन के लोग इस महानाट्य के दौरान मौजूद रहेंगे। ये एक बहुत ही अद्भुत शैली का नाट्य महाराजा अग्रसेन जी के जीवन पर बना है और इसके अंदर हम केंद्रीय समिति के माध्यम से हमारी ये भावना है कि हम अधिक से अधिक युवा वर्ग को उसमें जोड़ें, क्योंकि युवा वर्ग उनके जीवन से शायद थोड़ा कम परिचित है। इसमें महाराजा अग्रसेन जी ने जो जो भी कर्म किए हैं, कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, उनके जन्म से लेकर अंत तक की पूरी कथा इसके अंदर है। और आपके माध्यम से मैं समस्त अग्रजन को ये कहना चाहता हूँ कि ये इस कार्यक्रम को अवश्य देखें। इसके अंदर मुकेश खन्ना जी इसके सूत्रधार हैं और सुरेश वाडेकर जी ने इसका पूरा पार्श्व गायन दिया है। हमारे कुल प्रवर्तक श्री अरविंद सिंह जी महाराज जी की पूरा जीवन चरित्र का नाटक है, जन्म से लेके और अंत तक का पूरा नाटक इसमें है। ये नाटक कई प्रदेशों में हो चुका है और 48 जगह स्थानों में हो चुका है। जन्म इस नाटक में जन्म से युवावस्था में और कैसे उन्होंने महाभारत में बाणों से युद्ध करा उस पर, तो कैसे कुल देवी की स्थापना महालक्ष्मी जी करी, वो पूरा समाजवाद की कैसी स्थापना करी वो इसमें बताएंगे। इसमें कुल 28 कलाकार आ रहे हैं और इन कलाकारों द्वारा ही पूरा जीवन चरित्र बताया जाए। शहर के रेसकोर्स रोड स्थित बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में महाराजा अग्रसेन के जीवन चरित्र पर आधारित दुनिया के पहले महानाट्य का रंगारंग मंचन में महाराजा अग्रसेन के जीवन प्रसंगों को मंच पर साकार किया जाएगा। इन दिनों वर्षा ऋतु की जमकर मेहरबानी हो रही है, वहीं पितरों का श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है। ऐसे में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए हंसदास मठ में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संत राधे राधे बाबा के साथ ही संत रामदास महाराज व अन्य संतों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मोहनलाल सोनी, हरि अग्रवाल, श्याम अग्रवाल सहित अन्य तमाम लोग मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए दोपहर न्यूज। नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। 888-9300-73।
तड़प, जय रंजित, इच्छाधारी और नागमणि, नाग का गहना जैसी सफल फिल्मों के बाद इंदौर के सुपरस्टार फिल्म निर्माता निदेशक बाबू राजौरिया की एक और बड़ी पेशकश। को तो मंदिर में भजन गाने वाली पसंद आई। ये एक ऐसी मैरिड कपल लव स्टोरी है जो टूटते बिखरते परिवारों को जोड़ने का संदेश दे रही है। एक ऐसी पत्नी जिसने बदल दिया है अपने बिगड़े पति के भाग्य को। मेरी माहिर शानदार लव सॉन्ग। और सुपरहिट आइटम सॉन्ग। मैंने इतनी भी नहीं पी है कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़े। जो तुम कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। आज तो उस कर्मचारी से छुटकारा मिल ही जाएगा। मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिला। प्रेरणादायी सामाजिक रीति रिवाज और संस्कारों को प्रदर्शित करती ये फिल्म बदल देगी समाज की उस कुंठित मानसिकता के लोगों को जो बहू को समझते हैं दहेज की तिजोरी। बाबू राजौरिया की एक और बड़ी पेशकश मेरी भाग्यलक्ष्मी शीघ्र प्रदर्शित हो रही है मध्य प्रदेश सहित देश भर के तमाम सिनेमा घरों में। मेरी भाग्यलक्ष्मी। क्या आप झाइया, काले दाग, दाग, खाज, खुजली और अन्य चर्म रोगों या फिर कमर, घुटना, एड़ी और नसों के असहनीय दर्द से परेशान हैं? तो आपकी सभी परेशानियों का हल है डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक। जी हाँ, यहाँ आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक पद्धति से योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक, पता जेल रोड, शॉप नंबर 4, नूतन स्कूल के पास, गणेश मंडल के सामने, इंदौर। मोबाइल 9981106104। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का। तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को पीएससी में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है।